Hey all you awesomely blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupava and I hope you all are doing great. Well, in today's video we will be talking about body positivity. Yes, we will be talking about body positivity. मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में बात करना चाह रही थी और मैं एक्चुअली बैठी थी कि कुछ और वीडियो फिल्म करने के लिए, पर पता नहीं मुझे ऐसे बस लगा कि नहीं आई शुड मेक दिस वीडियो, आई शुड जस्ट टॉक अबाउट दिस. It was very random. I just decided that I want to talk about this topic. So yeah, let's get started. Okay, before we get started, I want to tell you that this look what you see right now, I have filmed this look for my Instagram. So make sure you go and follow me there. Please follow me, guys. My Instagram handle is right here. So make sure you go and you follow me. Okay, and yeah, talking about body positivity. Okay, तो body positivity का जो मतलब मैं समझती हूँ वो ये है कि अपने आप को आप जैसे भी हो accept करना, right? जो भी साइज है आप, अगर लंबे हो या आपकी हाइट कम है या पतले हो या मोटे हो या व्हाटएवर हाउएवर यू लुक, यू शुड एक्सेप्ट योरसेल्फ. बट नाउ एज अ सोसाइटी हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आप एक जगह बोल रहे हो बॉडी पॉजिटिविटी, आप एक जगह बात कर रहे हो कि नहीं हमें अपने आप को जैसे हैं वैसे अपने आप को अपनाना चाहिए. बट एज अ सोसाइटी व्हाट वी आर डूइंग, I remember when I was a kid, people used to call me by names. I was always a healthy kid. I was never skinny. I was never thin. So I was always called by names. You know, moti. बहुत सारी चीजें लोगों ने बोली मुझे और मुझे बहुत hurt करता था. मुझे बहुत ज़्यादा वो चीजें hurt करती थी. मतलब you know मुझे याद है कि मैं जब भी जैसे कॉलोनी में आप जहाँ सोसाइटी में आप रहते हो ना, बच्चों के साथ खेल के आते हो, लड़ाई हो जाती है बच्चों के छोटे छोटे, देन यू नो दे विल कॉल यू बाय नेम्स एंड देन दे यूज़ टू कॉल मी मोटी मोटी. एंड एक बच्चा स्टार्ट होता है सब शुरू हो जाता है मोटी मोटी मोटी. एंड देन आई हैव टू कम बैक होम, आई हैव टू क्राई, आई हैव टू टेल माय मॉम क्यों बोल रहे हैं मुझको ऐसा, ये मैंने क्या करा है, मेरे को क्यों बोल रहे हैं, कितने बुरे हैं, मैं नहीं जाऊंगी खेलने के लिए. पर बच्चा तो मासूम होता है ना, वो सोचता है कि चलो ठीक है दोबारा खेलने जाते, दोबारा वही चीज स्कूल में. मतलब जब तुम, मतलब यहाँ पे तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हो, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें क्या चीजें बोलनी क्या चीजें नहीं बोलनी. मतलब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो, तुम वादे कर रहे हो लोगों को कि मैं तुझे से शादी करूंगा, एंड तुम्हें ये नहीं पता कि यार एक इंसान को इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए. मतलब आई नेवर बॉडी शेम्ड एनीवन, नेवर. मे बी बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट समबडीज फिजिकल अपीयरेंस, और मे बी आई एम अ गुड ह्यूमन बींग. सो जब आप ये सब चीजें करते हो ना, अभी तो खैर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ऑलमोस्ट लाइक 10 years बैक, राइट, अभी तो लोग इन सब चीजों के बारे में बातें करने लगे हैं, यू नो डिस्कस कर रहे हैं ओपनली, दे आर डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स लाइक यू नो बॉडी, देयर इज अ थिंग कॉल्ड बॉडी शेमिंग जो नहीं करनी चाहिए. यू नो बॉडी पॉजिटिविटी होना चाहिए, यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ जैसे भी हो, यू नो जस्ट विद एन ओपन आर्म जस्ट एम्ब्रेस योर सेल्फ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, बट दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफरेंट. पीपल मतलब कितने रियलाइजेशन ही नहीं है, तुम बिना सोचे सोचे समझे यू आर जस्ट सेइंग इट. जब भगवान ने मुंह दिया है बोलो, बकवास ही बोलो पर बोल लो, कोई बात नहीं. एंड देन यू लाइक ओह आई डिडंट रियलाइज इट कि ओके तुम्हें इतना बुरा लगेगा. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोटी, यू नो सूखी, पीपल हु आर वेरी थिन, पीपल हु आर थिन, सूखी, माचिस की तिल्ली एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, बटका, लंबू, काली, गोरी, मतलब फॉर एवरीथिंग दे हैव अ प्रॉब्लम, फॉर एवरीथिंग दे हैव अ नेम. जब आप कैसे भी दिखते हो ये चीजें लोगों को बोलनी. तो आई बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, आई थिंक एज अ सोसाइटी वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट जो आप बोलते हो वो सोच समझ के बोलो. लोगों को वो किस हद तक हर्ट कर सकता है आपको उसका कुछ अंदाजा भी नहीं है, और कितने हद तक उसके उनके कॉन्फिडेंस को डैमेज कर सकता है उसका आपको you just don't have any idea अबाउट इट. यू नो वन टू डिसाइड यार यू शुड लूज वेट, बहुत खा रहे हो यार, अरे खाने दो ना यार, उसको पतला होना हो जाएगा, ये इतनी पतली है तू कुछ खाती नहीं क्या, तुम नहीं खाती ना, वो लेके जाओ, टेक हर आउट एवरी डे, ठीक है, ऑन अ डेट, मेक हर ईट, मेक श्योर कि वो मोटी हो जाए. तुम्हारा क्या चाह रहा है भाई? आई यू नो व्हाट, यू कंसर्न नहीं होता. अगर आप मुझे कहो कंसर्न है, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन अ वे यू एड्रेस द इशू, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस.
आप किस तरह उस बात को कह रहे हो ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है, तो वो पता चलता है कि आपके इंटेंशंस क्या है। सो ये तो हो गई भाई सोसाइटी की बात कि आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो ये बॉडी पॉजिटिविटी में, ठीक है, इसको बढ़ाने में। दूसरी बात होती है आपकी खुद की, एज ए इंडिविजुअल यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर सेल्फ, सेल्फ लव, यस, ये आपको करना होगा, कोई नहीं करेगा। एंड आई नो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी ये डिफिकल्टी फेस नहीं की है। आई ऑलवेज लव माई सेल्फ, इवन आफ्टर पीपल यूज टू कम एंड टेल मी दैट यू आर मोटी एंड यू आर दैट, नहीं तू तो कितनी मोटी होती थी, एंड मैंने नहीं, इतनी मोटी तो नहीं होती थी, ऐसी तो थी मैं। सो मैं मुझे आई ऑलवेज लव माई आई ऑलवेज लव्ड माई सेल्फ एंड आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। चाहे मैं 63 kgs की हो, चाहे मैं 58 kgs की हूँ, चाहे मैं 53 kgs की हूँ, चाहे मैं 67 kgs की हूँ, आई नो आई एम ऑसम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। आई रिमेंबर माई डांस टीचर अनु मैम, शी टोल्ड मी वंस की नीरू पता है, अगर आप चाहते हो कि यू नो आप किसी को बहुत दिल से किसी को प्यार करो ना, वो आप तभी कर सकते हो जब आप खुद अपने आप से बहुत प्यार करते हो। यू नो दे पीपल दे से अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू लुक योरसेल्फ लाइक वाओ, आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ करीना कपूर और अनिल कपूर, यू नो दे जस्ट लव देयर सेल्फ, दे एक्चुअली बोले कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। होना भी चाहिए यार, पीपल समटाइम दे टेक इट इन अ रॉन्ग वे दैट दे कॉल्ड ऑब्सेशन, सेल्फ ऑब्सेशन, क्यों नहीं भाई क्यों नहीं, मतलब क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इफ यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट योर सेल्फ, देर इज नो हार्म इन दैट। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल। आई सीन अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं आप तो बहुत सुंदर हो, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। सी दो चीजें हैं, या तो तुम सीरियसली में तुम्हारा दिमाग खराब है, या सेकंड वन यू आर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि व्हेन वी से नहीं यार मैं तो इतना हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं पागल है इतना तो बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ दोनों में से एक चीज हो सकती है। अगर सेकंड ऑप्शन है, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, आई वुड लव टू कॉम्प्लीमेंट यू बैक, बट अगर वो फर्स्ट चीज है ना, देन दैट्स नॉट गुड। सी वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर डिफरेंट पीपल। भगवान ने फुर्सत लगा के हर बंदे को बनाया है बैठ बैठ के, और तुम कह रहे हो कि नहीं अच्छा काम नहीं है ये, मतलब यू ठीक है ठीक ठाक जॉब ही किया आपने, भगवान मतलब नॉट यू, आप अच्छा कर सकते थे और अच्छा बना सकते थे मुझे। यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड इनसिक्योरिटी किसको नहीं होती यार, यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स। आपको पता है आपकी कमियां क्या है, आपको पता है कि आप में अच्छी चीजें क्या है। तो हम क्या करते हैं ना कभी कभार, जब हमें अच्छी चीजें या बुरी चीजें, तो हम लोग जो बुरी चीजें हैं ना उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। नहीं मैं लंबी नहीं हूँ, मेरे बाल लंबे नहीं है, मेरा कलर ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, वो सब बातें में लगे रहते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते यार मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरी स्माइल कितनी प्यारी है, ये जो मेरे ऐसे क्रुकेड टीथ है वो कितने प्यारे लगते हैं। व्हाई डोंट वी ट्राई टू फोकस ऑन दैट, व्हाई डू वी ऑलवेज सी द नेगेटिव थिंग? आई नो ये थोड़ा पागलपंती है, अगर आप अपना अच्छा अच्छा ही बोलते रहो यू नो फिर ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन हो जाएगा, बट देन इट्स गुड यू नो अबाउट योर नेगेटिव्स एंड यू शुड वर्क ऑन इट, बट सम थिंग्स विच यू कान चेंज यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट, लाइक योर अपियरेंस। मेरी नाक ऐसी क्यों नहीं है, मेरी आंख ऐसी क्यों नहीं है, अगर प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो करवाओ या गो अहेड, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, बट जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि आपने मुझे दो हाथ दो पैर के साथ बनाया है, जो जो और मैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी हेल्प आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन डू वॉट एवर थिंग्स आई वॉन्ट, एंड यू नो आई डोंट नीड एनी बडीज हेल्प। यू शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। यू टॉक अबाउट इनसिक्योरिटी, सी डू यू सी दिस, डू यू सी दिस? आई एम सो आई अवॉइड वेयरिंग यू नो कट स्लीव्स बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज मेरे डोले थोड़े थोड़े ज्यादा ही है। बट दैट्स ओके, क्या मैं अपने आप को नफरत करूंगी? ओ मैं ऐसी क्यों, भगवान मुझे ऐसे क्यों बनाए? अगर देखो तुम्हें प्रॉब्लम है ना अपने आप से, अगर आपको लगता है कि ओ आई एम टू फैट और आई एम टू थिन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इफ यू सी द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या तो जस्ट सिंपली इग्नोर इट, या तो आप मेहनत करके अपना चेंज ला सकते हो, या तो डो यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर इट, इग्नोर इट, डोंट क्रिब अबाउट इट। क्रिबिंग इज द वर्स्ट थिंग। मुझे वो लोग बहुत गुस्सा आती है जो क्रिब भी करते हैं, ठीक है, क्यों मैं ऐसी क्यों, मैं वैसी क्यों, कुछ करना भी नहीं चाहते। आई रियली लाइक दोज पीपल लाइक सिंपली इग्नोर द
There is no problem. See, you, and let me tell you, whatever size you are, it's not a problem. If you feel that, if you see it as a problem, then of course it is a problem for you and you need to work on it. But अगर आपको वो दिखता ही नहीं है और आप जस्ट लिविंग योर लाइफ, यू जस्ट लविंग योर सेल्फ, नथिंग लाइक इट. आई एम नो वन टू टेल यू, ओ डोंट वेयर अ बिकनी बिकॉज यू डोंट हैव अ बिकनी बॉडी, ओ डोंट वेयर अ साड़ी बिकॉज यू डोंट लुक गुड इन साड़ी, ओ डोंट वेयर जैगिंग्स बिकॉज यू डोंट हैव नाइस यू नो बैक. आई एम नो वन टू टेल यू डू वॉट यू फील लाइक. कोई बोलता है ना उसको, बोल चलो निकलो, निकल यहां से, बहुत हो गया. सिंपली से दैट. लोगों का काम है, उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि आपको बुरा फील करवाने में. आपको पता है, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, डोंट थिंक अबाउट, डोंट एंड प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. अगर मुझे कोई पता नहीं, आप बहुत सुंदर हो मामी, तो अच्छे हो, काश मैं ऐसी होती. आपने देखा, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, तो एम आई परफेक्ट? मेरे नहीं है इतने लंबे लंबे बाल, घने लंबे बाल, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं को जैसी भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मैं आई एम व्हाट हाउएवर आई एम नॉट 6 फीट टॉल, आई एम 5'4" एंड आई एम हैप्पी विद दैट. इफ आई फील ओके, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मैं थोड़ी मोटी होती जा रही हूँ, देन आई टू वर्क ऑन इट. इफ आई कैन वर्क ऑन इट, सो आई शुड नॉट क्रिब अबाउट इट. यू अंडरस्टैंड? स्टॉप गर्ल्स, प्लीज प्लीज. And even boys also. It's just, let's not focus on one gender, because लड़कों की भी अपनी insecurities होती हैं. It's just that they don't talk about it, but doesn't mean कि insecurities नहीं है. So boys and girls, my lovely boys and girls, please don't let these things affect you. यार तुम, you are, remember again, you are one of a kind. Try to be the best version of yourself. Don't let others pull you down. Okay? आप जैसे हो आप कमाल हो, ठीक है? नॉट के आर के, ओके? हमें कमाल हो, यू आर ऑसम, ओके? दैट इज रीजन व्हाई आई ऑलवेज से माय ऑसमली ब्लॉसमी पीपल, बिकॉज यू ऑल आर ऑसम. प्लीज एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, ओके? एंड प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी. सो प्लीज आई होप यू यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, यू नो. एंड दिस इज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, but let's look try to look at the brightest side. That's all I would like to say, okay? And take care, do whatever you feel like, whatever makes you happy, okay? And you all are beautiful, let me tell you, honestly I'm telling you, okay? Chalo, bye.